प्रकृति महान है, महान कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्रकृति ही महान है। महान कोई जब तक नहीं हो सकता, तब तक उसे आत्मज्ञान न हो। महान होना बहुत ही मुश्किल काम है। महान सिकंदर भी नहीं था, जो महान है वह कोई और है। बहुत सारी पीढ़ियां निकल जाती हैं, तब जाके कोई महान पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से सभी महान हो जाएंगे। महान तो सिर्फ एक ही है, वह परमात्मा। प्रकृति ने हमको कुछ बहुत कुछ दिया है, यह भी महान है। जाना सबको है एक दिन, यह भी सत्य है। फिर यहाँ पर महान बनने की होड़ क्यों लगी हुई है? क्या महान बनकर कुछ होने वाला है? यह तो महान बनकर ही जाना जा सकता है। महान बनने के लिए कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी दिखावे की। जो महान होता है उसका नाम खुद ही हो जाता है। महात्मा बुद्ध कितने महान थे, और मैं तो कहूँगा वो अब भी महान हैं। महान बनने के लिए कोई तरीका नहीं होता। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो इंसान को महान बनने की भूख, नाम कमाने की भूख, शोहरत पाने की भूख खत्म हो जाती है। आत्मज्ञान होने पर खुद ही कहते हैं मैं क्या ही बन करूँगा महान बनकर। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो कभी नहीं सोचता मैं महान बनूं। वो तो प्रभु के शरण में ही खुश है। दुनिया महान बनने की होड़ लगी हुई है, और महान कोई बन नहीं पा रहा। नाम किसी का चल नहीं पा रहा, नाम किसी का हो नहीं पा रहा। मेरे राजा राम वही तो महान है, दूसरा कोई महान नहीं है। मेरे राम के अलावा भला मैं किसे महान बता सकता हूँ?
मेरे राम ही हैं जो महान हैं। सबसे न्यारे हैं, सबसे अलग हैं। कोई चाहता भी नहीं कि हम उनका नाम भूलें। सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त उनका ही नाम आए। मेरे राजा राम ये तो महान है। और मुझे कोई महान नहीं दिखता उनके अलावा। महान तो बहुत हुए, महान बहुत हुए, पर उनको कोई याद नहीं करता। आत्मज्ञान ही महान बना सकती है।